टॉप फोर बेस्ट रियलमी स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 रुपीज़। तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया में। तो दोस्तों, अगर आप भी एक न्यू स्मार्टफोन परचेज करने वाले हैं और ढूंढ रहे हो कि रियलमी की तरफ से आने वाला 30,000 रुपीज़ के बजट रेंज में एक जबरदस्त स्मार्टफोन, तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप फोर रियलमी स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट करा है जो आपको 25,000 से लेकर 30,000 रुपीज़ के बजट रेंज में बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ देखने को मिलेंगे और उनमें से आप किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग। सो पूरी और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन। और ये जो स्मार्टफोन है ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। सो अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, 27,000 से 28,000 रुपीज़ के रेंज में आपको यह स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो सबसे पहले ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर वर्क करता है। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के लिए इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 8GB की वर्चुअल रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है, एंड 256GB की इनबिल्ट मेमोरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वही भी अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 100W सुपर डार्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है। सो आपको जो स्मार्टफोन है लगभग 20 से 25 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज हो जाएगा। सो ये काफी बढ़िया बात हो जाती है उन लोगों के लिए जो लोग अपने स्मार्टफोन में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो डिस्प्ले के तौर पर आपको यहाँ पर 6.7 इंचेस की एक काफी बढ़िया एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2412 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 394 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। और ये जो डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है वो एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। सो यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काफी बढ़िया रहेगा, चाहे आप कंटेंट कंज्यूम करो या फिर आपने स्मार्टफोन को यूज करो, बिकॉज आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट के तौर पर 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड एट द एंड अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 200MP प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 8MP का एक सेकेंडरी कैमरा प्लस 2MP का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरा सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो आप यहां से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर अपनी वीडियोस को अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए तो 32MP का आपको एक सामने की तरफ सैमसंग ISOCELL HP3 का सेंसर देखने को मिल जाता है, और आप सामने की तरफ से भी काफी बढ़िया क्वालिटी में अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रियलमी ने अपने इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा यूनिक रखा है पिछले स्मार्टफोन से। सो अगर आपको एक यूनिक डिजाइन वाला स्मार्टफोन लेना है रियलमी की तरफ से आने वाला, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है रियलमी की तरफ से GT2 5G स्मार्टफोन। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन भी 24-25 हज़ार के बजट में देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.84 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर वर्क करता है। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 65W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो हाँ, यहाँ पर आपको बैटरी स्पेसिफिकेशंस काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.62 इंचेस का एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है 397 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। इसके अलावा ये आपको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करी जाए, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस एकदम लाजवाब देखने को मिल जाते हैं। एंड लास्टली अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 8MP का सेकेंडरी कैमरा एंड प्लस 2MP का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो आप यहाँ से भी मैक्सिमम 4K क्वालिटी में अल्ट्रा HD में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए तो 16MP का आपको एक सोनी IMX766 का सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये तो रहे हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ,
जो कि हमने रखा है रियलमी की तरफ से आने वाला नार्जो सीरीज से, रियलमी नार्जो 60 प्रो 5G स्मार्टफोन। और इसी बजट में आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है रियलमी 11 प्रो स्मार्टफोन, और दोनों स्मार्टफोन में आपको स्पेसिफिकेशंस लगभग सेम देखने को मिल जाते हैं। सो आप इन दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले रियलमी नार्जो 60 प्रो 5G की प्राइसिंग की, तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 24,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का एक चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.6 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट, 8GB का वर्चुअल रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। और ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर वर्क करता है। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहां पर आपको 6.7 इंचेस का एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2412 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 405 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। एंड ये जो स्मार्टफोन है इसमें भी आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिलता है। सो जब भी आप इस स्मार्टफोन में कुछ भी स्क्रॉल करोगे तब आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा। एंड लास्टली अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 100MP का प्राइमरी सेंसर और प्लस 2MP का एक सेकेंडरी कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो आप यहाँ से मैक्सिमम 4K की क्वालिटी में 30fps पर अपनी वीडियोस को अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने की तरफ भी आपको 16MP का काफी बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन में। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि हमने रखा है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी GT Neo 3T स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन की अभी के टाइम की प्राइसिंग की, तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 35,000 रुपीज की प्राइस रेंज में अभी के टाइम में आपको यह देखने को मिलेगा। बट अभी के टाइम पे आपको इस स्मार्टफोन को बाय नहीं करना है, बिकॉज इस स्मार्टफोन की जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती हैं। और ये स्मार्टफोन 19,999 रुपीज़ की प्राइस रेंज में भी सेल हुआ है। जब भी आप इस स्मार्टफोन को अंडर 30,000 या फिर अंडर 25,000 ग्रैब कर पाते हैं, तब आपके लिए स्मार्टफोन काफ़ी ग्रेट डील होगी। तो अगर डिटेल से डिस्कस करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। और ये 3.2 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 6GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 5GB की वर्चुअल रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो 5000mAh की आपको यहाँ पर बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 80W सुपर डार्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो 6.62 इंचेस का एक काफ़ी बढ़िया 1080x2400 पिक्सल्स का एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि 397 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके अलावा 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट एंड 1300 nits तक की पीक ब्राइटनेस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। सो डिस्प्ले के तौर पर आपको यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। एंड लास्टली अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 64MP प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है विद OIS सपोर्ट, जिसमें आपको 8MP का सेकेंडरी कैमरा और प्लस 2MP का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है। और जब भी आप इस कैमरा सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो आप यहाँ से भी मैक्सिमम 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोस को इजीली अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करें, तो 16MP का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये रहे टॉप 4 रियलमी स्मार्टफोन, जिन्हें आप 30,000 रुपीज़ के अराउंड में खरीद सकते हैं। और आप इन चारों स्मार्टफोन में किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको मेनली गेमिंग स्पेसिफिकेशन ही चाहिए, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप रियलमी GT2 स्मार्टफोन की तरफ जाइए। बट अभी के टाइम पे अगर आपको एक लेटेस्ट और पावरफुल, इसके साथ साथ आपको अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाए, तो आप रियलमी 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे।